हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आरजू और मैं बिल्कुल अच्छी हूं। आप देख सकते हैं शाम का टाइम है और सनसेट होने वाला है। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं तो मैंने जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अभी स्नैक्स बनाऊंगी। तो स्नैक्स में यहाँ पे मैं सबसे पहले शाम का दिया कर ली हूँ। करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। किचन में मैंने यहाँ पे चढ़ाया है कुकर को। कुकर में पानी लिया है, उसमें जो चना फूलने के लिए डाला था दिन में उसी को मतलब बॉईल कर रही हूँ। तो 2 से 3 सीटी लगेगी और इसको इसमें मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 से 3 सीटी लगाते ही इसको बंद कर दूँगी। हो चुका है तो दूध को हल्का सा गर्म करके बच्चों को दूध दे रही हूँ। बच्चे दूध पिएंगे और हम लोग चाय। तो इस तरीके से उसके बाद हम अभी चना बनाने वाले हैं। मैं बच्चों को दूध देने के बाद जो बॉयल होने डाल दिया और इधर मैं 2 टाइम का आटा एक साथ गूंध रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आटा आपको ज़्यादा लगेगा। तो एक साथ बहुत सारे कामों को निपटा रही हूँ। बच्चों को दूध दे दिया और इधर मैं आटा गूंध रही हूँ, उधर मेरा जो स्नैक्स है वो भी तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से और दिन को ही मैंने सब्जी भी बना करके रख दी है फ्रीज में, उसको सिर्फ गर्म करना बाकी है। मेरा चना हो चुका है बॉयल और मैं इधर पैन को चढ़ा दी हूँ और सरसों ऑयल से बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। और उधर मैं चना को पहले अलग प्लेट में डाल करके रख रही हूँ। इसके बाद मैं फ़ौरन के तौर पे यहाँ पे साबुत जीरा डाल रही हूँ और हल्का सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिर्च पाउडर को जलने नहीं देना है। उसके साथ ही मैं प्याज जो छोटा छोटा कट करके मैंने रखा था उसको ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। उसके बाद जीरा पाउडर, इसी में प्याज में ही ऐड कर रही हूँ सारे मसाले को। उसके बाद हल्का सा काली मिर्च पाउडर और ये मैं चना डाल रही हूँ। इसमें कोई भी ज़्यादा मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, बस काली मिर्च और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसी के साथ मैं बना रही हूँ। अब इसको फ्लेम को स्लो करके बहुत धीमी आँच पे 2 से 4-5 मिनट तक पकाऊँगी। और चूँकि वो बॉयल है तो तुरंत बन जाएगा। और मैं इधर चाय भी बना रही हूँ तो एक साथ चना और चाय मेरा दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख
देखिए यहाँ पे सनसेट होने वाला है, काफ़ी अच्छा मौसम है, खुला खुला आसमान है और आप देखिए मेरे घर के आगे कितनी अच्छी ग्रीनरी हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे बैठ करके शाम को या सुबह में चाय पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये सामने पार्क है, उसमें भी बहुत ज़्यादा घास उग चुका है क्योंकि अभी 2 से 3 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, तो चारों तरफ हरा हरा घास उगने लगा है 2 ही 4 दिनों में। तो आप देख सकते हैं कि सामने कितना ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई मतलब विलेज में हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए यहाँ पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके अच्छा सा स्नैक्स हो साथ में तो फिर और भी अच्छा लगता है। मैं ऑलवेज आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं शाम या सुबह में कपड़े को धोती हूँ, लेकिन आजकल बारिश वाला मौसम चल रहा है 2 से 3 दिनों से, तो मैं स्टैंड को अंदर ला करके शाम को इस तरीके से पसार देती हूँ, रात भर में हल्का सा सूख जाता है और सुबह में यदि धूप होती है तो बाहर रख लेती हूँ, नहीं तो फ़ैन के नीचे रखने से कपड़े जो है बिल्कुल भी महकते नहीं हैं और हमें भी डिस्टर्ब नहीं करते, रात में हम सोए रहते हैं और इधर कपड़े मेरे सूख जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने कपड़े भी धुल लिए, शाम का जो इवनिंग रूटीन है मेरा यहीं पर कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी वाइफ यहाँ पे रोटी बना रही है और वो रोटी बनाने में काफ़ी ब्रिलियंट है, रोटी का शेप बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एकदम राउंड शेप में होता है और रोटी एकदम मतलब आप अगर 10 रोटी लेंगे तो ऑलमोस्ट सबका शेप एंड साइज एक जैसा होगा। ये अपने मायके में भी रोटी बनाती थी, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनके साथ, मतलब मायके में कुछ और नहीं करती थी, रोटी ही बनाती थी केवल, चाय और रोटी दो चीज़। फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से रोटी कैसे बना सकते हैं। आप उसको किसी भी साइज में बेल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी बनाने का जो सबसे सही तरीका है कि जब भी आप चकला के नीचे एक कपड़ा ज़रूर यूज़ करें, इससे क्या होगा जो भी गंदा होगा आपका स्लैब में चिटचिट नहीं होगा और आप इजली इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब है बारी रोटी बनाने की, तो आप जैसे ही तवा हल्का सा गर्म होता है आप रोटी को डालिए, बहुत ज़्यादा तवा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो वो चिपक जाती है, और जैसे ही रोटी को आप डालते हैं तो आप 2 सेकंड के अंदर फिर उसको ज़रूर पलटें। जब आप उसको पहली बार 2 सेकंड में और दूसरी बार थोड़ी देर में पलटते हैं तो रोटी बहुत अच्छे तरीके से फूलती है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रोटी मैंने विद इन 2 से 3 सेकंड में पलट दी है और बहुत अच्छे से नहीं पकी है फिर भी मैंने पलटी है, और इस तरीके से मैं इधर बहुत अच्छे से पकाऊंगी और जब मैं उसको तवे पे डालूंगी तो उसको उलट करके, तो आप देख सकते हैं कि रोटी इस तरीके से काफ़ी मुलायम और फूली फूली सी बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन रोटी बनाना मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है और ख़ास करके जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं उन्हीं के लिए ये आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और हेल्प भी करेगा। तो बस इसी तरीके से मैं सारा रोटी बनाती हूँ, यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक करती हूँ तो वो रोटी फूलने में दिक्कत करती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को ही नहीं मेरे इन लॉज को भी मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बाबूजी ऑलवेज़ मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, बोलते हैं इसके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मेरे हाथ की रोटी और चाय मेरे ससुर जी को भी बहुत पसंद है, आई मीन मेरे बाबूजी को। यहाँ मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करने वाली, जो भी आटा आपका बच चुका है तो उसको आप हल्का सा ऑयल या घी लगा करके रखते हैं फ्रीज में, तो इससे आपका आटा जो है काला नहीं होता है। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैं 2 टाइम का आटा एक साथ गूंद करके फ्रीज में स्टोर करती हूँ, तो ऑलवेज़ मैं क्या करती हूँ कि उस पर घी या ऑयल कोई भी ऑयल आप लगा करके ऊपर में रिफाइन ऑयल लगाएंगे और घी तो ज़्यादा अच्छा होगा, सरसों ऑयल लगाएंगे तो थोड़ा सा स्मेल करता है वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से यदि आप रखते हैं तो आप सुबह देखेंगे कि आपका जो आटा है वो बिल्कुल भी गीला मतलब काला नहीं होगा। और देखिए साथ साथ कि मैंने उसी कपड़ों के साथ पूरे स्लैब को साफ़ कर दिया, तो एक साथ 2 काम
कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोगों का डिनर में आज क्या है, फुलके, और जो आलू बीन्स की दिन में सब्जी बनाई थी उसी को हम लोगों ने गर्म कर लिया, और साथ में दूध, और दूध में हम लोगों ने गुड़ यूज़ किया है। तो इस तरीके से आज का हमारा डिनर यही है। तो बहुत ही सिंपल सा हम लोग लंच या डिनर करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और यहाँ पे अंकु पीहू दोनों बेड को ठीक करने में लगे हुए हैं। आजकल हम लोग दूसरे रूम में सो रहे हैं जिसमें स्प्लिट एसी है, क्योंकि ये बहुत बिजली कम खपत करती है इसकी वजह से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ सारा काम करने के बाद। नाइट रूटीन अपना स्किन केयर जो मैं करती हूँ वही कर रही हूँ। और तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा सारा नाइट का जो रूटीन है कंप्लीट हो चुका है, डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैंने अपने चेहरे पे टोनिंग की है, और ये जैसे ही सूखेगा, ड्राई होगा, उसके बाद मैं इसमें क्रीम लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ। तो सारा फिनिश हो चुका है, मैंने इवनिंग रूटीन के साथ अपना डिनर रूटीन भी शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।